पॉजिटिव फीडबैक टू रिमेम्बर इन द सिंपलेस्ट वर्ड इज कि जो हमें अच्छा लगता है सुनने में वैसे ही जब कोई बात बताता है दैट इज व्हेन वी फील इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक. Whereas, जो हमें नहीं सुनना होता है या तो जो बिहेवियर हम सामने वाले पर्सन का एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वैसा जब होता है दैट इज व्हेन वी फाइंड इट एज अ नेगेटिव फीडबैक. नाउ रॉबिन शर्मा हैज सेड इन अ ब्यूटिफुल वर्ड्स, नेगेटिव फीडबैक कैन मेक अस बिटर और बेटर. बिटर का मीनिंग होता है कि कड़वाहट छोड़ देता है और बेटर का मीनिंग होता है कि हमें एक अच्छा इंसान बनाने की ओर ले जाता है. तो लास्ट टाइम हमने वो भी डिस्कस किया था कि नेगेटिव फीडबैक ऑल्दो वी डोंट लाइक टू लिसन बट स्टिल वो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है एंड दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि हम उसको अच्छे से डील करें. सो नाउ देयर इज दिस नेट, यहाँ पे होता है बिहेवियर राइट. नाउ दिस इज मी एंड माई इंटेंशन, यानी मेरे जो इंटेंशन हैं वो होते हैं एंड दिस इज यू एंड योर रिस्पॉन्स ऑन द अदर साइड. सो नाउ वॉट आई नो, मुझे क्या पता है, मुझे पता है लेट्स से हम अगर आज का अभी का एग्जाम्पल ले राइट राइट नाउ माई इंटेंशन इज कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट लेक्चर देने की कोशिश करूँ राइट एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू माई बिहेवियर. What I don't know, मुझे क्या नहीं पता है, आपका रिस्पॉन्स राइट कि मेरा जो भी लेक्चर है उसका रिस्पॉन्स आपकी तरफ से क्या आएगा, आई डोंट नो राइट. सो वी नीड टू कीप दिस मॉडल इन माइंड कि जब भी हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं हमें सिर्फ बिहेवियर दिखाई देता है राइट. वेदर वो सेंडर हो या रिसीवर हो, दोनों की तरफ से हमें सिर्फ बिहेवियर दिखाई देता है. वी डोंट नो देयर इंटेंशंस और देयर मोटिव्स बिहाइंड इट. बट जब हम हमारा माइंड ओपन रख के उस पे जब रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगे दैट इज व्हेन यू नो वी विल बी एबल टू डील विद दिस थिंग्स बेटर. नाउ हमने पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक देखा था लास्ट टाइम. द अदर टाइप्स ऑफ फीडबैक आर फीड फॉरवर्ड. फीडबैक क्या होता है कि हम जो भी एक्शन जो भी बिहेवियर है उसके बेसिस पे कुछ एडवाइस देते हैं राइट. दैट इज फीडबैक, या तो हमारा रिएक्शन देते हैं. जबकि फीड फॉरवर्ड यानी हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन हम देते हैं, दैट इज फीड फॉरवर्ड. So let's understand it in more detail. What is feed forward? Feed forward is about forgetting the past and focusing on the future forward. Yani jo past hai usko bhul ke hame aage next kya karna hai uske upar jab hum focus karte hain that is known as feed forward. It is possible when the field of trust has been built. Now feed forward ke liye ये जरूरी है कि हमें पहले इतना पता हो कि सामने वाला पर्सन हमें अच्छे से जानता है. टू गिव यू सिंपल एग्जाम्पल, लेट से आप अपने कम्युनिटी में कोई स्पीच सुनने के लिए गए हो राइट और वहां जो कम्युनिटी का लीडर है उसने एक बहुत अच्छी स्पीच दी, तो आप उसको फीडबैक दे सकते हो कि सर आपने बहुत अच्छी स्पीच दी राइट. बट वहां पे आप उसको अगर अच्छे से नहीं जानते हो तो आप उसको फीड फॉरवर्ड यानी कि फ्यूचर में उसको कैसे स्पीच देनी है उसके ऊपर कोई कमेंट या कोई एडवाइस आप नहीं दे सकते हो. यू कैन नॉट से कि सर वो जो वर्ड आपने यूज किया था ना वो इतना अच्छा नहीं था, उससे बदले आप ये वर्ड यूज कर लेते तो बेटर रहती आपकी स्पीच राइट. सो दैट विल पुट यू इन अ पोजिशन कि जहाँ पे सामने वाला पर्सन आपको एरोगेंट भी समझ सकता है राइट एंड दे मे नॉट बी एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली. सो फीड फॉरवर्ड जनरली उन्हीं लोगों को दिया जाता है वेर यू नो देम प्रॉपरली राइट. फीडबैक कैन बी गिवन इन जनरल टू एनी वन. जनरली फीड फॉरवर्ड में जजमेंट एंड क्रिटिसिज्म आर एक्सक्लूडेड, यानी हम किसी को जज नहीं करते हैं, किसी को क्रिटिसिज्म यानी कटाक्ष राइट या तो जो उन्होंने गलतियां की है उसमें से जो नुक्स निकालते हैं राइट. सो दैट इज क्रिटिसिज्म. सो हम किसी को जज नहीं करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं बिकॉज वी ओनली फोकस ऑन एक्शन कि उनको क्या एक्शन में इंप्रूव करना है राइट. इट इज डन व्हेन समवन आस्क फॉर इनपुट,
या फिर तब हम फीड फॉरवर्ड देते हैं कि जब कोई हमें स्पेसिफिकली पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए. सो इफ समवन इज स्टार्टिंग द बिजनेस एंड इफ दे आर कमिंग टू यू कि मैंने इतना किया अब आगे मैं क्या करूं, राइट? सो देन दैट इज व्हेन यू गिव फीड फॉरवर्ड फीडबैक कि ओके अभी आगे जाके अगर आप बिजनेस में ये करते हो देन इट विल बी बेनिफिशियल टू यू. द मेन फोकस इज अबाउट हेल्पिंग अदर्स इन टर्म्स ऑफ फीड फॉरवर्ड. तो वहां पर आपका मेन फोकस उसी में रहता है कि आप आगे क्या उनको करना है उसके लिए एडवाइस करो. फीड फॉरवर्ड अभी कंपनीज में जहाँ पे एम्प्लॉयज को फीडबैक देना होता है वहां पे पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड एंड नेगेटिव फीड फॉरवर्ड फीडबैक्स पे ज्यादा एम्फोसाइज किया जा रहा है. सो लेट्स क्विकली गो ओवर इट कि मेन क्या डिफरेंस है. जो फीडबैक है वो एम्फोसाइज ऑन द पास्ट, वो पास्ट की चीजों पे एम्फोसाइज करता है कि आपने पास्ट में क्या किया था. वेरेस फीड फॉरवर्ड इज एम्फोसाइज ऑन द फ्यूचर कि फ्यूचर में अभी आपको क्या करना है. क्रिटिक्स प्रीवियस वर्क यानी पहले का जो काम है उसमें से नुक्स निकालते हैं कि इसमें ये जो किया था वो गलत किया था, मे बी ये बेटर कर सकते थे, राइट? सजेशंस ऑन व्हाट टू डू नेक्स्ट टाइम. तो यहाँ पर फीड फॉरवर्ड में सजेशंस होते हैं कि आगे चल के क्या करना है, राइट? सो फॉरगेट अबाउट द पास्ट, आगे चल के क्या करना है. डिस्क्राइब्स व्हाट हैज हैपेंड. सो फीडबैक में हम डिस्क्रिप्शंस देते हैं कि क्या हुआ था. Whereas फीड फॉरवर्ड में आइडियाज ऑन हाउ टू इम्प्रूव, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके ऊपर फोकस रहता है. फोकस्ड ऑन व्हाट डिड एंड डिडंट गो वेल. सो लेट्स से आपने अगर स्पीच दी थी तो स्पीच में क्या अच्छा बोला आपने और क्या गलत किया वो बताया जाता है. Whereas फीड फॉरवर्ड में फोकस ऑन हाउ यू कैन डेवलप एंड प्रोग्रेस. सो फीड फॉरवर्ड में आपको आपकी गलतियां नहीं दिखाई जाती कि लास्ट टाइम आपने क्या गलतियां की थी. इट ओनली फोकसेस ऑन कि अभी और आपको बेटर स्पीच करनी है तो मे बी आप ये चेंजेस ला सकते हो एंड दैट विल हेल्प यू, राइट? सो पर्सन गिविंग द फीडबैक डज मोस्ट ऑफ द वर्क. यहाँ पर फीडबैक देने वाला पर्सन सारी डिटेल्स आपको बताएगा, राइट? पर्सन रिसीविंग द फीडबैक डज मोस्ट ऑफ द वर्क. फीड फॉरवर्ड में क्या होता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो ही मोस्टली बताता है. जैसे स्पीच आपने दी फॉर एग्जाम्पल और फिर आपको बोला जाए कि अभी आपको क्या लगता है आप उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हो एंड देन यू वुड बी टेलिंग योरसेल्फ कि आप उसमें क्या इम्प्रूव करोगे, राइट? सो दैट इज फीड फॉरवर्ड. हाईलाइट एरर्स यानी जो गलतियां होती है मिस्टेक्स होती है उसको हाईलाइट किया जाता है. Whereas यहाँ पे ये पूछा जाता है what would you do differently next time? Next time क्या different करोगे, right? Then can be very time consuming क्योंकि वो पूरा detail में जाता है. And sometimes अगर negative feedback है तो सामने वाला person confrontation mode में आ जाता है यानी argument शुरू हो जाती है, right? Whereas यहाँ पे सिर्फ क्या improve करना है उस पर mainly focus रहता है तो time consume कम होता है. Can lead to people feeling judged. यहाँ पे लोगों को ये feeling आ सकती है कि उनको जज किया जा रहा है. Whereas यहाँ पे emphasis on the task, not the person. So यहाँ पे उनका जो काम है उस पर focus किया जाता है, person पे focus नहीं होता है, right? Person receiving the feedback can take comments personally and get defensive. So यहाँ पे जो comments होती है वो उनको personal लगती है कि मुझे ऐसा बोला, मेरे बारे में ऐसा कहा, राइट? Whereas फीड फॉरवर्ड में आप सिर्फ टास्क के ऊपर ही फोकस करते हो, राइट? सो टू गिव यू एग्जांपल अगेन ऑफ द सेम थिंग कि अगर आप स्पीच दे रहे हो और कोई फीडबैक दे रहा है कि यू नो स्पीच में तुम्हारी आवाज बहुत धीरी थी, राइट? नाउ वो आप उसको पर्सनली लोगे बिकॉज आपको लगता है कि मुझे बोला कि मेरी आवाज बहुत धीरी थी, राइट? Whereas फीड फॉरवर्ड में क्या होता है कि आपको सिर्फ इतना ही बोला जाता है कि योर स्पीच वॉज रियली गुड, नेक्स्ट टाइम जो आवाज है ना उसको थोड़ी ज्यादा रखना. सो वो आपको पर्सनल नहीं रखता, वो आपको अपनी आवाज के लिए ही फीडबैक लग रहा है, राइट? सो कैन यू सी द डिफरेंस कि क्या हो रहा है. सो फीड फॉरवर्ड एज आई सेड कि आजकल कंपनीज में बहुत ज्यादा यूज होता है कंपेयर टू फीडबैक बिकॉज वहां पे कस्टमर्स या तो जो एम्प्लॉयज हैं क्लाइंट्स हैं वो कभी कभी ऑफेंड हो जाते हैं, राइट? सो
टू गिव यू द समरी, नेगेटिव फीडबैक में हम क्या करते हैं, करेक्टिव कमेंट्स अबाउट पास्ट बिहेवियर फोकसेस ऑन बिहेवियर दैट वाजंट सक्सेसफुल एंड शुडंट बी रिपीटेड, राइट? पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, अफर्मिंग कमेंट्स अबाउट पास्ट बिहेवियर फोकसेस ऑन बिहेवियर दैट वाज सक्सेसफुल एंड शुड बी कंटिन्यूड, राइट? नेगेटिव फीड फॉरवर्ड में क्या होता है, करेक्टिव कमेंट्स अबाउट फ्यूचर परफॉर्मेंस, यानी फ्यूचर में आप कैसे करेक्ट करोगे अपने बिहेवियर को, या तो अपने एक्शन को, या जो भी आप कर रहे हो परफॉर्मेंस उसको कैसे बेटर करोगे, राइट? तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स लाओगे, करेक्टिव यानी जो गलतियां की उसको कैसे करेक्ट करोगे, दैट इंफॉर्मेशन व्हेन यू पास ऑन दैट इज नेगेटिव फीड फॉरवर्ड. एंड पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड यानी अफर्मिंग कमेंट्स अबाउट फ्यूचर बिहेवियर, यानी फ्यूचर बिहेवियर में आपने जो भी किया है उसमें से क्या कंटिन्यू करोगे टू गेट अ बेटर रिजल्ट. सो द नेक्स्ट फीडबैक विच वी आर गोइंग टू लर्न इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीडबैक. इंटरनल फीडबैक वो फीडबैक होते हैं कि जो कंपनी में अंदर अंदर दिए जाते हैं, राइट? वेर एज एक्सटर्नल फीडबैक यानी कंपनी के बाहर जो फीडबैक होते हैं वो एक्सटर्नल फीडबैक होते हैं. टू गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल, कि अगर आपको आपके पेरेंट्स या तो ग्रैंड पेरेंट्स यू नो एडवाइस देते हैं पढ़ाई के लिए, तो वो आपके लिए हो गया इंटरनल फीडबैक. बट लेट्स से आपके घर पे कोई चाचा के मामा के भतीजे का कोई फ्रेंड आया है और वो आपको एडवाइस दे रहा है पढ़ाई के लिए, तो वो आपके लिए क्या हो गया, एक्सटर्नल फीडबैक. You would have seen on television, अभी तो advertisements काफी कम हो रहे हैं, but prior to this lockdown and everything, जब लेस कभी भी जब भी new flavor launch करता है तो वो वोट करने के लिए बोलता है. Now, अगर उसके example से हम समझने की कोशिश करें, then we know कि let's say जब भी फ्लेवर लॉन्च किया जाता है तो कंपनी में जो मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर है, डायरेक्टर्स हैं, वो जब सब डिस्कस करते हैं कि हमें कौन सी फ्लेवर लॉन्च करनी चाहिए, कौन सा फ्लेवर कस्टमर्स को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो वो जो सारे डिस्कशन कंपनी में होते हैं दैट इज इंटरनल फीडबैक, राइट? या तो मे बी कंपनी में भी अंदर अंदर लोग टेस्ट करके बताए कि ये क्या है, कैसा फ्लेवर है, कौन सा उनको बेटर लग रहा है, सो दैट इज इंटरनल फीडबैक, राइट? बट जब वो प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है और कस्टमर्स उसका फीडबैक देते हैं कि हमें ये फ्लेवर अच्छा लग रहा है, या तो जो शॉपकीपर्स हैं, जो उनके रिटेलर्स या होलसेलर्स हैं, वो जब उनको फीडबैक देते हैं तो वो हो जाता है उनके लिए एक्सटर्नल फीडबैक. नाउ क्वांटिटेटिव फीडबैक और क्वालिटेटिव फीडबैक में क्या डिफरेंस है? क्वांटिटेटिव इज डेटा कंसर्निंग न्यूमरिक क्वांटिफायबल इंफॉर्मेशन. यानी क्वांटिटेटिव फीडबैक जो है उसमें नंबर्स होते हैं, वेर एज क्वालिटेटिव डेटा है उसमें डिस्क्रिप्शन होते हैं. सो इट्स अ वर्बोज डिस्क्रिप्टिव एंड मोर डिफिकल्ट टू समराइज. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. क्वालिटेटिव फीडबैक, लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल फर्स्ट, राइट? अगर मैं कहूँ दैट रिसेंटली इन सेमिस्टर टू द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अंडर माई मेंटरिंग हैज गॉट 100% रिजल्ट, यानी मेरे मेंटरिंग में जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका 100% रिजल्ट आया. सो वेन आई से 100%, तो वो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव, क्योंकि वहां पे मैं नंबर बता रही हूँ, राइट? बट दैट सेम थिंग इफ आई से ऑल द स्टूडेंट्स हु वर अंडर माय मेंटरिंग इन सेम टू हैज पास्ड, सो इट्स सेइंग द सेम थिंग, ऑल स्टूडेंट्स यानी 100%, तो वो क्या हो गया, बट मैंने वहां पे 100% यूज नहीं किया है. ऑल आई हैव सेड इज ऑल द स्टूडेंट्स, तो वो हो गया क्वालिटेटिव फीडबैक, राइट? सो क्वालिटेटिव जो फीडबैक है उसमें क्या होता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, कि जहां पे सामने वाला पर्सन थोड़ा डिटेल में अपना आंसर दे, राइट?
फोकस ग्रुप यानी किसी ग्रुप को जाके आप पूछते हो कि आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी, और वो पूरा डिटेल में बताते हैं कि हाँ इसमें कपड़ा है ना थोड़ा ऐसा हो तो ज्यादा बेटर है, या तो मुझे ये जो आपने एम्ब्रॉयडरी की है वो इतनी अच्छी नहीं लगी, या तो एम्ब्रॉयडरी के लिए जो थ्रेड्स यूज किए हैं उसके कलर्स बहुत ज्यादा ब्राइट है. सो ऑल दोस फीडबैक दे आर नोन एज क्वालिटेटिव, कि जहाँ पे आपको कोई नंबर्स में नहीं मिल रहे आंसर, राइट. सोशल मीडिया पे जनरली जो कमेंट्स होती हैं आपके फेसबुक पे या व्हाट्सएप वगैरह पे, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वालिटेटिव होती है, कि जहाँ पे आपको अगर आपने पिक्चर पोस्ट किया है तो नाइस एंड यू नो ब्यूटीफुल और ये जो सारी चीजें मिलती है इन टर्म्स ऑफ फीडबैक, सो दे आर क्वालिटेटिव. वेर एज क्वांटिटेटिव, अगर आपको कितने लाइक्स मिले, राइट, तो यू हैव द नंबर देयर. सो इट्स अ फीडबैक बट यू हैव द स्पेसिफिक नंबर कि आपकी पिक्चर को लेट्स से 100 लाइक मिले, सो दैट 100 यू नो इट्स अ क्वांटिटेटिव, राइट. सो नंबर ऑफ पीपल हु परचेज्ड योर प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट कितने लोगों ने बाय की, यू हैव द स्पेसिफिक नंबर्स एंड दैट इज क्वांटिटेटिव, राइट. क्लोज एंडेड सर्वे क्वेश्चंस, यानी जब आपको पूछा जाता है कि आपको आपके कितने परसेंट चांसेस है कि आप ये प्रोडक्ट वापस बाय करोगे, राइट, एंड इफ यू से 70% और 80%, सो वो अगेन क्वांटिटी हो गया. दिस इज फीडबैक बेस्ड ऑन डेटा. फॉर एग्जाम्पल, ऑफ 10 स्टूडेंट्स क्वेश्चन, 8 रेटेड मीडिया स्टडीज लेसन एज एवरेज. सो 10 और 8, यहाँ पे नंबर्स हमें स्पेसिफिक पता है, सो इट्स अ क्वांटिटेटिव. वेर एज दिस इज क्वालिटेटिव इज ओपन एंडेड, सो स्टूडेंट्स डिस्क्राइब द टीचिंग एज नॉट बैड. सो मोर और लेस यही कह रहा है, बट यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है तो इसलिए ये क्वालिटेटिव है, राइट. नाउ दूसरा है आपका इंट्रिंसिक फीडबैक एंड एक्सट्रिंसिक फीडबैक. इंट्रिंसिक फीडबैक यानी जो फीडबैक आप खुद को देते हो, राइट. सो इट इज फीडबैक फ्रॉम वंस ओन सेल्फ, यानी जब आपने कुछ अच्छा किया आप अपने आप को अंदर ही अंदर शाबाशी भी देते हो कि वाह आज तो मैंने बहुत अच्छा किया, राइट. सो दैट इज इंट्रिंसिक फीडबैक. अ पर्सन एंगेज्ड इन थिंकिंग एंड पॉन्डरिंग ओवर आइडियाज, इवेल्युएटिंग ऑप्शंस एंड असेसिंग देयर आउटकम्स, राइट. सो आप जो खुद सोचते रहते हो कि अच्छा मैं ये करूं तो मुझे इसका ये आउटकम मिलेगा, एंड व्हेन यू गेट दैट आउटकम और रिजल्ट यू फील गुड और बैड. सो ऑल दोज इंटरनल थिंग्स जो हो रही है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फीडबैक. वेर एज एक्सट्रिंसिक फीडबैक जो होता है वो दूसरे लोगों के रिएक्शन के ऊपर से हम परसीव करते हैं, राइट. सो इट इज अ फीडबैक which a person receives from others, example customer response to a payment request. So दूसरे लोगों के जो feedback होते हैं उसके ऊपर से जो हमारे reactions होते हैं, that is known as extrinsic feedback. आपका जो motivation है वो भी इसके ऊपर काफी based होता है. जो extrinsic motivation होता है वो बाहर की चीजों से driven रहता है. So for example, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, right? तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पढ़ाई करने के बाद आपके पेरेंट्स आपको शाबाशी देंगे, आपके फ्रेंड्स के बीच में यू नो आपका फेम बढ़ेगा, आपके टीचर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, सो वो सारा हो गया आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कि वो आपका बिहेवियर दूसरे लोगों के ऊपर बेस्ड है कि उनका फीडबैक क्या आएगा. वेर एज इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, इट्स एंगेजिंग इन अ बिहेवियर बिकॉज इट इज पर्सनली रिवॉर्डिंग. सो अगर आपको ये लगता है कि ये पढ़ने से मेरा ये डेवलपमेंट होगा, मेरा ये नॉलेज बढ़ेगा, मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, आगे चल के मुझे ये फायदा होगा, देन दैट इज ऑल अबाउट यू, राइट. यू आर नॉट रिलाइंग ऑन कि दूसरे लोग उसमें क्या फीडबैक देंगे या क्या कहेंगे, देन दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन. स्पोर्ट्स में भी वो काफी यूज होता है इन टर्म्स ऑफ कि जहाँ पे जो प्लेयर है अगर उसको ट्रॉफीज, यानी कि अगर मुझे अवार्ड मिले तो अच्छा लगेगा, या मुझे स्पोर्ट्स टीचर मेरे अगर अप्रिशिएट करे तो मुझे अच्छा लगेगा. सो ये सारे हो गए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. वेर एज जब यहाँ पे अगर आपका मोटिवेशन ये है कि खेलने से मेरी हेल्थ अच्छी होगी, मुझे मेंटली बहुत अच्छा फील होता है,
वो जो सारे मोटिवेशन फैक्टर्स हैं वो होते हैं आपके इंट्रिंसिक. आई होप इट इज क्लियर. इंट्रिंसिक यानी जो आपकी इंटरनल फीडबैक्स होती है आप जो खुद को देते हो, और एक्सट्रिंसिक यानी जो बाहर के लोग आपको देते हैं, दैट इज एक्सट्रिंसिक. देन दूसरा होता है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फीडबैक. फॉर्मल फीडबैक यानी जो डॉक्यूमेंटेड होता है. रिजल्ट में जब आपको मार्कशीट मिलती है तो वो हो जाता है आपका फॉर्मल, राइट. इनफॉर्मल यानी जो डे टू डे बेसिस पे फीडबैक मिलता है. ओके, देन दूसरा आपका है समेटिव फीडबैक एंड फॉर्मेटिव फीडबैक. ये नॉर्मली स्टडीज में ज्यादा यूज होता है, स्पेशली दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय टीचर्स एंड पीपल हु आर इनटू एजुकेशन. समेटिव फीडबैक यानी ओवरऑल उनका जो परफॉर्मेंस होता है स्टूडेंट्स का, जो ग्रेडिंग के जरिए दिया जाता है एट द एंड ऑफ द सेमिस्टर और एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज समेटिव. कि वो पूरी समरी उनको बताई जाती है कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, राइट. वेर एज फॉर्मेटिव फीडबैक जो एवरी नाउ एंड देन जो छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट, कि स्कूल्स में भी आपने काफी सारे टेस्ट दिए होंगे, इवन कॉलेज में भी आप असाइनमेंट सबमिट करते हो, टेस्ट देते हो, इन बिटवीन टीचर्स आपको क्वेश्चन पूछ के आपकी अंडरस्टैंडिंग्स चेक करते रहते हैं. सो ऑल दोज आर नोन एज फॉर्मेटिव फीडबैक. जबकि उसके एंड में जो टेस्ट होता है, जैसे 10th की, 12th की एग्जाम, इवन आपके सेमिस्टर की जो एग्जाम आएगी एंड की, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कही जाती है, दैट इज समेटिव फीडबैक. आर वी क्लियर? यस यस मैम. ओके, देन यू हैव मोटिवेशनल फीडबैक. मोटिवेशनल फीडबैक यानी वो फीडबैक कि जहाँ पे आपको मोटिवेशन फील हो, राइट. सो वर्ड्स लाइक ग्रेट, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, गुड वर्क, राइट. इवन जो सिंबल्स आप भेजते हो, स्माइली फेस, स्टार्स, सो दोस थिंग्स, इवन जो स्टिकर्स हम भेजते हैं, दैट इज मोटिवेशनल फीडबैक. और मोटिवेशनल फीडबैक का मेन पर्पज यही होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो एंड यू शुड कंटिन्यू डूइंग दैट. सो मोटिवेशनल फीडबैक इज जनरली यूज टू री इन्फोर्स अ बिहेवियर यू वॉन्ट टू सी कंटिन्यूड. यानी मोटिवेशनल फीडबैक वो फीडबैक है कि जहाँ पे आपको वो बिहेवियर कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, राइट. जब भी आपने कुछ अच्छे हैंडराइटिंग में बहुत अच्छे से कुछ लिखा होगा इन योर स्कूल, योर टीचर वुड हैव रिटन एक्सेलेंट. व्हाई? बिकॉज दे वांट यू टू कंटिन्यू विद द गुड वर्क व्हिच यू आर डूइंग, राइट. वेर इज डेवलपमेंटल फीडबैक ऑन द अदर हैंड इज अ फीडबैक कि जहाँ पे आपको फीडबैक दिया जाता है टू मॉडिफाई और चेंज द बिहेवियर. जो आपका बिहेवियर है उसको जब चेंज करना होता है, उसको मॉडिफाई करना होता है, तो उस टाइम पे जो फीडबैक दिया जाता है दैट इज नोन एज डेवलपमेंटल फीडबैक. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में अगेन जो पर्सन का टास्क या तो बिहेवियर होता है उसको एनालाइज किया जाता है कि उसमें उसने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, और उसके ऊपर से उसको कैसे इम्प्रूव करना, उसका फीडबैक दिया जाता है.